अगर धरती कर दे एकदम से घूमना बंद तो बताए क्या होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, धरती की भूमध्य रेखा पर मौजूद सभी चीजें 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगेंगे और पृथ्वी के घूमना बंद होने के बाद इसका वायुमंडल 1670 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से घूमता रहेगा, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे किसी की तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर रखा महसूस करते हैं, ऐसे में यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हम सभी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ रहे होंगे और उन लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे जो उड़ना चाहते हैं। यदि देखा जाए तो ये गति बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम सब अंतरिक्ष में चले जाएं, क्योंकि उसके लिए हम 40,248 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए। पृथ्वी की भूमध्य पर भयंकर तूफान की स्थिति हो जाएगी, सभी पेड़ पौधे वायुमंडल बिल्डिंग सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ध्रुवों पर ज्यादा आपदा नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए राहत रहेगी। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर भयंकर सुनामी आ जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, लेकिन जैसे ही यह घूमना बंद करेगी तो फिर पूरी तरह से गोल हो जाएगी, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी बराबर मात्रा में ध्रुव में बंटने लगेगा, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी है दोनों ध्रुव पानी में डूब जाएंगे। पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे की नहीं बल्कि एक जगह पर दिन है दिन ही रहेगा, और अगर रात है तो रात ही रहेगी। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरा भाग ठंडा होगा। पृथ्वी कोर में चुंबकीय पदार्थों के घूमना बंद होने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, जिससे सूर्य की सही कॉस्मिक किरणें बहुत ज्यादा आने लगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ही इन किरणों को धरती पर आने से रोकते हैं और हर जगह ज्वालामुखी फटकर उसका लावा पृथ्वी की सतह पर गिरने लगेगा।